रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 11 में जमकर फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी से समर्थक और पति के साथ आधा सैकड़ा लोग मतदाताओं पर दबाव बनाकर वोट डलवा रहे हैं। वार्ड पार्षद के 4 प्रत्याशियों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कई बार पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी, लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंचकर हो हल्ला कर किनारे हो जाता है, जिसके चलते कांग्रेसी पार्षद पति विनोद शर्मा अपने गुंडों के द्वारा महिला प्रत्याशियों पर दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, धमका भी रहे हैं। पार्षद पद के 4 महिला प्रत्याशियों ने पुनः मतदान की मांग की है। आप स्वयं देखें किस तरह से पार्षद पति पोलिंग बूथ में घुसकर खुलेआम गुंडाई कर रहा है। इतना ही नहीं, ऑटो में भर भर कर वोटरों को लाते हुए चाय और नाश्ते का भी वितरण करवाया। हाँ, तो तब हो गई जब महिला प्रत्याशियों को पार्षद प्रत्याशी के पति ने धमकी दी कि वार्ड 11 को छोड़कर वो चले जाए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि विनोद शर्मा के पिता को हिरासत में ले लिया और 2 मिनट के बाद छोड़ी। बताया जाता है कि प्रत्याशी के पति और ससुर सुबह से ही मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे। वहीं मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि विनोद शर्मा के पिता को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 मिनट बाद छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। इनको अलाउ है, इनको अलाउ है, जो लोग खड़े हैं ये इनको अलाउ है। फिर रोको ना, इनको क्यों रोको, रोको अब इनको। एक प्रत्याशी के लिए नहीं, थोड़ा शांति पूर्वक तो फिर आप रोकिए, मना करिए, बाहर निकालिए इन लोगों को। बाहर चलिए थोड़ा, एक घंटे से कम बैठे हो, सुनो हमारी बात। हमारी वोट कितने बजे ये बताओ, हमारी कितने बजे हमारी बात। आप सयाने हो ना, अगर आप जवान होते तो मैं दूसरी भाषा में बात करता। आपको मैं बोला घर छुड़वा देता हूँ, ये तक बोला, दिक्कत हो तो अस्पताल छुड़वा देता हूँ, अब इससे ज्यादा क्या होता। चलिए, तो आपको सम्मान से चलिए 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 सम्मान करना क्या मतलब है, तबियत खराब हो जाएगी। सम्मान से आदमी बात, पुलिस से बात हो रही है। अरे सब मैं आई हूँ ना।